बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बुक फेयर में। सर आप यहाँ आए और बहुत आपका शुक्रिया। सर आपको आज ये नहीं लगता कि कुछ आज बच्चों की रुचि या यंगस्टर्स हमारे मोबाइल आने की वजह से कुछ दूरियाँ पड़ती जा रही है किताबों से? नहीं, आपका कहना ठीक है कि पढ़ने लिखने का सिलसिला जो है वो मोबाइल आ जाने से और सोशल मीडिया की वजह से जो है कम हो गया है। और हालांकि हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि किसी का भी जन्मदिन हो, उनकी वर्षगांठ, शादी की वर्षगांठ हो या कोई भी इस तरह का हो, किताब ही प्रेजेंट करते हैं। मुझे लगता है फूलों से ज़्यादा बेहतर किताब की महक जो है वो परमानेंट रहती है और वो हमेशा उनकी लाइब्रेरी में रहेगी, याद दिलाती रहेगी। तो हमारी जो व्यक्तिगत कोशिश है वो हमेशा यही रहती है। और रही लखनऊ की बात, तो हम आपको बताएं कि लखनऊ में एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट हुआ जो हिंदुस्तान के किसी भी शहर में नहीं हुआ, कि लखनऊ में शैलना चतुर्वेदी जी की प्रेरणा से हिंदी वाङ्मय निधि ने हमारा लखनऊ पुस्तकमाला एक सीरीज शुरू की जिसके 50 पुष्प आ चुके हैं। 50 लखनऊ के 50 डायमेंशन पे किताबें आज आ गई हैं। तो आप समझिए कि एक शहर के बारे में उसके 50 डायमेंशन पे किताबें आना, ये अपने में एक बहुत सुखद अनुभव है जो हिंदुस्तान के किसी भी शहर में नहीं है। तो ये लखनऊ के लिए बड़े फख्र की बात है कि लखनऊ में इस तरह का काम हो रहा है। छोटी छोटी 35-35, 40-40 पेज की किताबें हैं, लेकिन उसकी रीच बहुत ज़्यादा है और लोग उसको जो है पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटी किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन कम पेजेस में सारी बात आ जाए तो। और मेरी भी खुश नसीबी है कि लखनऊ की जो आइकॉनिक जगह, जो नर्व सेंटर रहा है यहाँ की राजनीति और सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर और जहाँ मजाज से लेकर कैफी से लेकर अली सरदार जाफरी सभी लोग बैठते रहे कॉफ़ी हाउस, उस पर मैंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है जिसको कि बहुत लोगों का स्नेह मिला है। जी सर, उसमें वैसे क्या आपने दर्शाया है, क्या मेंशन किया है? मैंने देखिए शुरुआत तो जो है दुनिया में कॉफ़ी हाउस कब बने, कहाँ से बने, वहाँ से शुरू किया। फिर हिंदुस्तान में कॉफ़ी हाउस कब आए, कॉफ़ी हाउस मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, उसका जिक्र किया। फिर मैंने लखनऊ के अड्डेबाजी का जिक्र किया कि लखनऊ में कहाँ कहाँ अड्डे रहे हैं, अच्छा, कि जहाँ बैठते रहे लोग बाग। और उसके बाद फिर मैंने कॉफ़ी हाउस का जिक्र किया कि ये कॉफ़ी हाउस जो 50 साल से ज़्यादा पुराना है, ये इसमें किस किस तरह से लोग आते रहे। जो हम लोगों का अनुभव रहा है कि हिंदी साहित्य से जुड़ी तीन महान हस्तियाँ, यशपाल जी, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा, तीनों एक साथ कॉफ़ी हाउस में बैठे होते थे। और जब ये तीनों होते थे तो उनको सुनने और देखने के लिए लोग आते थे कॉफ़ी हाउस, यार ये लोग किस विषय पे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे वो दौर है कि मजाज जब कॉफ़ी हाउस में होते थे तो महिलाएं बाहर खड़ी होती थी कि भाई मजाज जब बाहर निकलेंगे तो कुछ शेर सुना देंगे। तो यहाँ पे चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, और पत्रकारिता के भी सारे बड़े नाम यहाँ पे आते रहे हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के प्रेरणा आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा, ये सब आते रहे हैं। अच्छा। और लालजी टंडन तो कहते रहे हैं कि साहब मेरी तो राजनीतिक पाठशाला यही है। अच्छा। मैंने तो अपनी राजनीति सीखी कॉफ़ी हाउस से है। जी। तो वो भी कॉफ़ी हाउस चले आते थे। और खैर हमें भी फ़ख्र है कि अभी गवर्नर बनने से कुछ दिन पहले तक बराबर जब भी वो होता था हम बुलाते थे, कॉफ़ी हाउस आते थे और सारे लोग बैठ के, चाहे जस्टिस हैदराबाद राजा हों, चाहे सत्यदेव त्रिपाठी हों, चाहे रमेश दीक्षित हों, है ना, एक टेबल पे विपरीत विचारधारा के लोग बैठ के चिंतन मंथन करके कॉफ़ी हाउस में बैठ के बातचीत करते थे। तो एक ये बहुत बड़ा सेंटर इस बात का भी था कि डिफरेंस ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कम से कम एक टेबल पर बैठ के बात तो करते थे। तो जो कहा जाता है हिंदुस्तान की राजनीति के लिए कि जो यूपी आज तय करता है वो हिंदुस्तान कल तय करता है, तो ये सारे के सारे डिस्कशन कॉफ़ी हाउस में होते थे। जी। उसी में सारी विचारधारा के लोग आके कॉफ़ी हाउस में बैठते थे। अच्छा। सर मैं अब चूँकि आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप यहाँ आए हमें बड़ी खुशी की बात है, आपने हमारी किताबें देखी सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप? नहीं नहीं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जो है यहाँ पे, मैंने खुद घूम के और इसका जो देखा कि तरह तरह के किताबें जो है वो सब्जेक्ट पे हैं और सब अपने जो सब्जेक्ट का चुनाव और ख़ास तौर से अवध का जो एक अलग से कॉलम आप बनाने जा रहे हैं, लखनऊ से स्पेसिफिक किताबें रख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि नौजवान पीढ़ी जब आएगी यहाँ पर और वो देखेगी कि भाई अवध से संबंधित, लखनऊ से संबंधित किताबें हैं। और आपने अभी मुझे भगवद्गीता का भी दिखाया कि जो बहुत ही प्रेजेंट करने के लिए बहुत बढ़िया इसका वॉल्यूम है, तो किताबों का चुनाव बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, मैं देख रहा हूँ
कि खुशी की बात यह है कि नौजवान पीढ़ी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है, और हम लोगों का फ़र्ज़ यही बनता है कि नौजवान पीढ़ी को किस तरीके से किताबों की ओर आकर्षित किया जाए, तो उसी के सारे प्रयास